गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। अब आप 40 दिन की छुट्टियों के बाद आए हैं तो काफ़ी रिफ्रेश्ड फील कर रहे होंगे, तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो समर वेकेशंस के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड इफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब जब दो रेज सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो दैट इज कॉल्ड एंगल। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे इसमें देखिए, हमारे पास एक रे है ए सी और दूसरी रे है ए बी, तो दोनों का एंड पॉइंट एक ही है तो इसे हम एंगल बोलते हैं। तो अगर हम एंगल को रीड कर रहे होंगे, मान लो जहां पे एंगल बन रहा है उसको रीड करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये सी ए बी या फिर बी ए सी, कहने का मतलब कि जहां पे वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब जहां पे दो रेज इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, तो वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। देखो मैंने लिखा है वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडल लेटर। आप बी और सी को किसी को भी पहले लिख लीजिए, लेकिन ए हमेशा बीच में रहना चाहिए, तब हम इस एंगल को रीड कर पाएंगे। तो इस एंगल को रीड करने का तरीका आपको सबको पता होना चाहिए, सी ए बी या फिर बी ए सी, मतलब जहां पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में बोलना है या लिखना है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें है इन दिस फिगर राइट द नेम ऑफ ऑल एंगल्स। तो सबसे पहले अगर मैं इस एंगल को रीड कर रहा हूं तो यहां से शुरू करूंगा डी ए बी, या मैं कर सकता हूं बी ए डी, तो मैंने लिखा डी ए बी, आप बी ए डी भी लिखोगे चल जाएगा, मैंने सारे नहीं लिखे पॉसिबल, आप लिख सकते हैं डी ए बी और बी ए डी। फिर इस एंगल को रीड करना है तो यहां से ए बी सी या फिर सी बी ए, मैंने एक लिख दिया ए बी सी। इस एंगल को रीड करना है तो इट विल बी बी सी डी या फिर डी सी बी, ओके। और इसको रीड करना है तो ए डी सी या फिर सी डी ए। तो मैंने एक एक तरीका लिखा है, हर एंगल को दो तरीके से आप रीड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ओनली वन वे लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट या फिर पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ एंड ऑन ई ओ एफ। तो सबसे पहले पॉइंट पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, आप डी ओ ई एंगल देख सकते हैं, डी ओ ई इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, ए, इंटीरियर मतलब अंदर। फिर दूसरा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, तो ई ओ एफ ये है, इसके बाहर कितने पॉइंट्स हैं, एक तो सी है, दूसरा ए है, तीसरा डी है, ये सब बाहर है तो हमने लिख दिया ए सी डी। ऑन ई ओ एफ, ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ है, इस पे एंगल पे जितने पॉइंट्स होंगे दोज आर ऑल ऑन ई ओ एफ। एक है ई बी फिर ओ फिर एफ, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ओ बी ई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं ओ बी ई एफ, कैसे भी हो सकता है, लेकिन सारे पॉइंट्स उसमें आ जाने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, टू पॉइंट्स इन कॉमन, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, फोर पॉइंट्स इन कॉमन, वन रे इन कॉमन। तो फिगर्स मैं आपको दिखा देता हूं, टू एंगल्स विद वन पॉइंट इन कॉमन। तो वन पॉइंट कॉमन देखो, मैंने ए ओ बी ये एंगल बनाया है और सी ओ डी एंगल बनाया है, तो इसमें ओ पॉइंट कॉमन है। फिर दूसरा है टू पॉइंट्स इन कॉमन, तो मैंने दो एंगल्स बनाए हैं, बी ओ सी एक है या और दूसरा डी सी ओ एक है, तो इसमें ई एंड एफ कॉमन पॉइंट्स हैं। तीसरा है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, इस फिगर को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। थ्री पॉइंट्स इन कॉमन देखिए, ए ओ ई एंड बी ओ ई में थ्री पॉइंट्स कॉमन कौन कौन से, ओ डी ई।
फिर फोर पॉइंट्स इन कॉमन है, देखिए एंगल बी ओ ए एंड एंगल ई ओ ए, इसमें मैंने शायद ज्यादा पॉइंट्स, पांच पॉइंट हो गए कॉमन, लेकिन आपको केवल चार लिखने हैं। आप चाहो तो बीच का एक पॉइंट हटा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी रहने देंगे तो कम से कम चार पॉइंट्स कॉमन आपको दिख जाएंगे, ओ एफ डी सी ए। और नेक्स्ट है वन रे इन कॉमन, तो फिगर आप बना लीजिए। देखो एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ सी, इसमें रे ओ ए कॉमन है। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू।